अरे तो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज सरन फ्रॉम उत्तराखंड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई बहुत दिनों का यार चैनल पे वीडियो नहीं आई है। इसका मेन रीज़न क्या है कि बीच में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और अभी मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ। और आप लोगों को पता नहीं होगा मैं अभी हूँ कहाँ पे। तो मैं अपना पहले जो प्रेजेंट टाइम में मैं अभी जहाँ पर रह रहा हूँ उसका पूरा बता देता हूँ आप लोगों को। तो आपको पता है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम चल रहा है अभी, और रुद्रप्रयाग में एक कंपनी है मैक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ पर मैं एज ए साइट इंजीनियर मैंने 2 जून को ज्वाइन किया। तो उस टाइम से भाई, क्योंकि ये मेरा रेलवे में पहला प्रोजेक्ट है, तो इतना ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं कर पाया स्टार्टिंग में, क्योंकि फ्रेशर हो तो भाई काम भी सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। तो एकदम से वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगता था मुझे। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो चीज़ें समझ में आ रही है, कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे करवाना है, किस तरीके से साइट पे रहना है, तो सारी चीज़ें हैं। और अब जा करके अपना टाइम निकाल सकता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए, और दिखाता रहूँगा कि रेलवे में हम कौन कौन से काम कर रहे हैं और क्या क्या काम यहाँ पर चल रहा है, कितना प्रोग्रेस अभी हो चुका है। तो अभी आज तो मैं अभी रूम में हूँ, क्योंकि महीने में 2 बार शिफ्ट चेंज होती है। 15 दिन नाइट वाला डे में करता है और डे वाला नाइट में करता है 15 दिन बाद। तो कल संडे था इसलिए आज से मेरी नाइट ड्यूटी है। तो आपको अपना रूम दिखाता हूँ मैं, किस तरीके से प्राइवेट कंपनीज में आपको रूम प्रोवाइड करती है कंपनी, जो इंजीनियर वगैरह हैं। वर्कर्स के लिए तो अलग सा बना हुआ है, लेकिन जो इंजीनियर स्टाफ है, जो भी हमारे GM सर, PM बड़े बड़े रैंक पे हैं इस कंपनी में, उनको कैसे रूम दिया गया। तो ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर आते हैं सबसे पहले, और उसके बगल में एक विंडो दी हुई है, ये खोल रखी है मैं। और ये मेरा बेड है, क्योंकि अभी तक मैं सोया हुआ था इसलिए अभी बिस्तर फोल्ड नहीं किया है। और ये मेरा रूममेट है जिसकी अभी डे में ड्यूटी है, वो अपना पूरा फोल्ड करके गया है। और ये टेबल दी हुई है, टेबल में बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं क्योंकि टाइम मिलता नहीं है ये साफ़ करने का। और इधर एक चेयर लगी हुई है और एक एक्स्ट्रा गद्दा है हमारे पास, 2 चेयर इधर है। और इधर कपड़े सुखाने का जुगाड़ बनाया हुआ है हम लोगों ने। और ये 2 कबर्ड दिए हैं, एक में रूम जो मेरा रूम मेट है उसका सामान है, दूसरे में मेरा है। और इधर चार्जर पॉइंट दिया है बिल्कुल बेड के फ्रंट में। और ये वॉशरूम है हमारा, इसमें गीजर दिया हुआ है और इंग्लिश सीट, आपको टॉयलेट दी है, सिंक है और 2 बकेट दी हुई है। तो ये सारी फैसिलिटीज दे रखी है कंपनी ने। बस प्राइवेट कंपनी में क्या है ना कि आपको फैसिलिटीज़ तो पूरी मिलती है, रहने की अच्छी है, और यहाँ पे लॉन्ड्री फ्री है, आपको अपने कपड़े खुद से नहीं धोने पड़ेंगे। और जो रूम में सफाई होती है, सुबह आकर के आदमी सफाई करके चला जाता है। बस थोड़ा काम ज़्यादा होता है, आप फ्री नहीं रह सकते, आपको पूरा दिन काम करना पड़ता है। करना हमें कुछ नहीं पड़ता, अपना जो साइट पर काम चल रहा है करवाना पड़ता है। जो वर्कर्स लोग काम एक्चुअली में जो वर्कर्स होते हैं वही करते हैं। हमारे साथ भी फोरमैन रहते हैं जिसको पूरी नॉलेज रहती है साइट की, हमसे ज़्यादा जानता है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में वो थोड़ा हमसे पीछे है, क्योंकि हमारा एक कंधा माना जाता है फोरमैन को। बस एक डिफरेंस है हमारे और फोरमैन के बीच में, वो है टेक्निकल लाइन। हमारे पास अपनी डिप्लोमा डिग्री है और उसके पास, वो बिना डिप्लोमा डिग्री के उसके पास एक्सपीरियंस है काम का। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये हमारा रूम था। आगे आगे धीरे धीरे मैं आपको अपना मेस दिखाऊंगा, मेस किस तरीके से हमें खाना मिलता है यहाँ पे। और ये आउटर एरिया है हमारा। ये आज बारिश हुई थी सुबह में, अभी उमस टाइप की हो रही है क्योंकि ना धूप और ना बारिश हो रही है। तो भाई ये एक छोटा सा रूम टूर था, किस तरीके से आपको कंपनीज प्राइवेट में रूम देते हैं, ये अपना रूम का टूर करवाया। आगे आगे मैं आपको अपनी साइट की वीडियोज़, कौन कौन सा हम वहाँ पे काम करवा रहे हैं, ये सारी वीडियोस आने वाली है चैनल पे। तो हमारे साथ बने रहिए, और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ स्पेशली 1000 सब्सक्राइबर के लिए। और जल्दी से जल्दी आप लोगों से यही चाहूँगा कि बहुत सारा प्यार दें, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करते रहे चैनल को, और लाइक तो करना ही करना है। अगर जो भी सिविल से रिलेटेड अगर कोई लड़का है, उसको जो भी वीडियो चाहिए, जो भी मेरे से हो सकता है, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।